दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है 12804 हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन दक्षिण तटीय रेलवे जोन करता है और यह द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है जो रविवार एवं बुधवार को हजरत निजामुद्दीन से चलकर आगरा कैंट झांसी भोपाल नागपुर विजयवाड़ा होते हुए सोमवार एवं गुरुवार को विशाखापट्टनम पहुंचती है। दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जंक्शन की टोटल डिस्टेंस 2093 किलोमीटर को करीबन 59 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 35 घंटे और 40 मिनट में तय करती है और दोस्तों इस ट्रेन का 19 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। दोस्तों बात करें अगर इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इस ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम तक लालागुड़ा लोको शेड या विजयवाड़ा लोको शेड का वेव 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में आईसीए ब्रेक श्रेणी के कोच रहते हैं जिनमें सेकेंड एसी के 2 कोच रहते हैं, थर्ड एसी के 4 कोच, स्लीपर क्लास के 10 कोच, तो वहीं जनरल क्लास के 5 कोच, 1 कोच पेंट्री कार, 2 कोच सामान गार्ड एवं ब्रेक यान को मिलाकर कुल 24 कोच रहते हैं। और दोस्तों इस ट्रेन का सेकेंड एसी का किराया ₹3,030, थर्ड एसी का किराया ₹2,095, स्लीपर का किराया ₹805, तो वहीं जनरल क्लास का किराया ₹430 रहता है। दोस्तों यह किराया हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम तक का है और इस किराए में बदलाव हो सकता है, इसलिए किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। दोस्तों रेलवे इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध करवाता है, साथ ही ऑनबोर्ड कैटरिंग एवं ई कैटरिंग की सुविधा भी इस ट्रेन में उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों ट्रेन नंबर 12804 हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन रविवार एवं बुधवार को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से सुबह में 5:50 पर रवाना होती है और दोस्तों यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है मथुरा जंक्शन 7:45 पे और 5 मिनट ठहरने के बाद 7:50 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है राजा की मंडी, सुबह में 8:28 पे यहां पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:30 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है आगरा कैंट, सुबह में 8:40 पे यहां पहुंचती है और 5 मिनट ठहरने के बाद 8:45 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों ग्वालियर जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 11 और 5 मिनट ठहरने के बाद 11:05 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है झांसी जंक्शन, दोपहर में 12:40 पे यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 12:50 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है बीना जंक्शन 3 और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 3:05 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है भोपाल जंक्शन, शाम में 5:05 पे यहाँ पहुँचती है और 5 मिनट ठहरने के बाद 5:10 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों भोपाल जंक्शन तक यह ट्रेन 695 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है होशंगाबाद शाम में 6:21 में और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:23 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है इटारसी जंक्शन, शाम में 6:50 पे यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद शाम में 7 ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों बैतूल यह ट्रेन पहुंचती है रात में 8:28 पे और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद रात में 8:31 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले स्टॉपेज पंढूरना रात में 10 और 1 मिनट ठहरने के बाद 10:01 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है नागपुर जंक्शन रात में 11:20 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 11:25 पे ऐसे रवाना हो जाती है। और दोस्तों नागपुर जंक्शन तक यह ट्रेन 1085 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है बलारसा जंक्शन, रात में 2:55 पे यहाँ पहुँचती है और करीबन
5 मिनट ठहरने के बाद 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज वारंगल 6:27 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह में 6:32 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है विजयवाड़ा जंक्शन सुबह में 10:40 पे और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद 10:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। और दोस्तों विजयवाड़ा जंक्शन तक ये ट्रेन 1744 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। और दोस्तों विजयवाड़ा जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव एवं रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है एलरू 11:38 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है ताड़ेपल्ली गुंडम, दोपहर में 12:08 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज राजमुंद्री, दोपहर में 12:53 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज समालकोट जंक्शन, दोपहर में 1:33 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 1:35 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज विशाखापट्टनम जंक्शन शाम में 5:30 पे और यहाँ तक 2093 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 12804 हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।